हाय माय टू फैमिली। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी ब्लॉगिंग वीडियो चैनल पे डालती नहीं हूँ। कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तभी मैं ब्लॉगिंग जो है करती हूँ। ज़्यादातर मैं ब्लॉगिंग उतना अच्छा मुझसे होता भी नहीं है और मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ। पर ये था जन्माष्टमी का समय, तो कैसे मैंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया वही बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना था। और मेरी वीडियोज़ भी ना मेरी टाइम लाइन पे मुझे रखना था, सो इसीलिए मेमोरीज के लिए मैंने ये किया, ब्लॉगिंग जो है आज की ब्लॉगिंग मैंने शुरू किया। तो जन्माष्टमी के सुबह से ना बहुत सारी काम हो शुरू हो गई थी मेरी। डेकोरेशन से शुरू करके सब कुछ मैंने खुद किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस बार ही ना फर्स्ट मेरी जन्माष्टमी का जो पूजा है मैंने फर्स्ट किया था। तो पहले सुबह से लेके मैंने जो किया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले जो डेकोरेशन हो गया, मैंने अपने गोपाल जी को जो है सिंहासन पे विराज कर दिया। फिर मेरा जो बात कर रात की जो डेकोरेशन है उसमें मैंने लग गया। सो ये कुछ है। और ये डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ रुई यहाँ पे मटके में डाल के थोड़ा बहुत वो लुक देने की, मटकी में माखन वाली लुक देने की कोशिश की है। तो ये जस्ट सुबह सुबह मैंने कुछ डेकोरेशन जो किया वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। फिर तो ये जो रात को जो लड्डू गोपाल जी को हम सुलाते हैं रात को नहीं शाम को, तो उसी के लिए ये प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। मुझे उतना तो ज्ञान नहीं है कैसे क्या करते हैं, पर मैंने जो है मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के और कुछ सुन सुन के मैंने इस बारी का पूजा जो है मैंने खुद से किया है। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद लगा अंदर से कि मैं बहुत ही खुश थी। तो ये था, ये मेरा डेकोरेशन कुछ अभी पूरा हो चुका था। ये मैंने झूला अभी डेकोरेट किया है खुद से और इसकी जो शॉट है मैं वो डाल चुकी हूँ पहले ही। और ये है शाम के 7 बजे जब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने वाले थे, तो लगभग 7 बजे ही हम सुला दिया, हमने सुला दिया। मैंने ये देखा था, मुझे इतना डिटेल में कुछ पता नहीं है। तो ऐसे ही फूलों में मैं हमने जो है गोपाल जी को अपना सुला दिया। फिर इसमें खीरा और एक पैसा देके, एक कॉइन देके ना ढक दिया था। तो बहुत ही जो है एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इसी की कुछ क्लिप्स जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पता नहीं मैंने ठीक किया कि गलत किया, क्या मुझसे गलती हुई, पर मैंने बहुत ही मन से किया तो यही है। और सुला देने के बाद ना हमने जो भी रात की 12 बजे जो भी करना था हमें, भोग की प्रिपरेशन और सारी जो आरती की प्रिपरेशन वो सब हमने तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जो ये वस्त्र है, जो भी श्रृंगार है उनका, इसको एक प्लेट में डाला। फिर चॉकलेट्स हो गया, जो भी आरती के लिए सामान, पूजा के लिए सामान, सब कुछ मैंने यहाँ पे ठीक करके रख दिया ताकि 12 बजे ना जब हम उठाए ठाकुर जी को और अभिषेक होना था, अभिषेक का टाइम हो, तब कुछ दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने सारा अपना प्रिपरेशन उस टाइम तक, शाम के टाइम तक कर लिया था, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये यहाँ पे है कुछ अभिषेक के लिए सामान। और अभी बच चुके हैं 12, तो अभी जो टाइम है उनको, गोपाल जी को जो है फूलों में से बाहर निकालने का था। तो हमने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीर्तन लगाया था। खुद यहाँ पे हमारे यहाँ कीर्तन हो भी रहा था, हमने चलाया भी था। तो कॉपीराइट्स कुछ इशू की वजह से वो साउंड तो यहाँ पे नहीं डाल सकते, पर आप क्या ही कर सकते हैं। तो वो सब कुछ तो पास पास में चल रहा था। और ना एक्चुअली में एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब घूस बम्प आने वाला उस टाइम पे एक्सपीरियंस हो रहा था। तो यहाँ पे शुरू हो गया गोपाल जी की अभिषेक की तय अभिषेक। सो सबने बहुत ही मन से इसे किया और ना आनंद भी उतना ही आया। फिर जो है हमने यहाँ पे उनको तुलसी जी की माला पहनाई। तो मैंने ये भी देखा था कि अभिषेक के टाइम ना ठाकुर जी को तुलसी जी की माला और भी ड्राई फ्रूट्स और तरह तरह की चीज़ों की मालाएं जो है पहना के अलग अलग चीज़ों से अभिषेक होता है। तो उतना तो नहीं हो पाया, बस हमने तुलसी जी की माला पहना के अलग अलग जो भी पंचामृत हो गया, फिर कोई भी फ्रूट्स फ्रूट्स की जो जूस होते हैं उससे हो गया हमने अभिषेक किया। और ये फूलों फूलों से भी अभिषेक हुआ।
तो सारी जो विधि है पूरा तो नहीं हम फॉलो कर सके शायद, क्योंकि उतना जानकारी भी नहीं था, पर जितना भी हमसे हो सका हमने उतना ही, जितना भी मुझे YouTube वीडियोस देख देख के ना कि पता चला वो मैंने सब किया। तो अच्छी तरीके से उनकी अभिषेक जो करने के बाद हमने उन्हें जो जो भी नए कपड़े जो भी कुछ लाए थे उनके लिए जन्माष्टमी के लिए, तो हमने वो उससे उसी से ही श्रृंगार उनका कंप्लीट किया और फिर जो है पूजा स्टार्ट कर दी। श्रृंगार जो है उनका कंप्लीट हो जाने के बाद हमने ठाकुर जी को उनके लिए जो झूला प्रिपेयर किया था उसमें बिठाया, और उसी में जो है जो वो फूलों की माला और फूलों के जो मुकुट लाए थे वो कंप्लीट करके जो उनका जो एक होता है ना श्रृंगार को उनको दर्शन करवाना होता है मिरर से, वो भी करवाया। और थोड़ा सा झूला झूलाने के बाद हमने उनको उनका श्रृंगार दिखाया और फिर पूजा की जो नेक्स्ट विधि जो भी आरती है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो इन सब में ना मुझे उतना नियम मुझे कुछ पता नहीं है, पर फिर भी मुझे बहुत ही खुशी मिली ये सब करके। और ये जो उनका जो रूप है ना मतलब क्या ही बोलूँ, ये मेरी फेवरेट फोटो है। जब मैंने उन्हें उनका श्रृंगार दिखाया था ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए ये कितना खुश लग रहे हैं और कितना खूबसूरत भी लग रहा था। तो यहाँ पे हमने पूजा जो है स्टार्ट कर दिया।
और आरती खत्म करने के बाद ना हमने एक छोटू सा ना केक बनाया था उनके लिए खीर से ही, तो उनको कट किया जैसे नॉर्मल छोटे बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम केक कटिंग करके, तो वैसे ही थोड़ा लास्ट में हमने किया। और फिर बाद में जो है घर के जो सारे मेंबर्स है उन सब ने उन्हें फूल दिया और फिर थोड़ा थोड़ा करके झूला भी झुलाया, तो बहुत ही ज़्यादा हमें आनंद आया, सबको जो है बहुत ही आनंद आया। तो ऐसा था मेरा जन्माष्टमी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जन्माष्टमी कैसा गया। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली ये सब करके, हालांकि ये मेरे फर्स्ट टाइम था, पर बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से ना बहुत ही एक अच्छा वाइब्स आया। सो दैट्स इट फॉर इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।